बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इफ्राज मेहंदी डिज़ाइन। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छे और खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है। और आज जो मैं आपसे शेयर करूँगी, ब्लैक और मेहंदी रेड कोन किस तरीके से लगाना है, कहाँ से परचेज़ करनी है कोन, और कौन सी कोन यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्राइस क्या है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस वीडियो में 500 लाइक्स मिलने चाहिए। तो चलें अब हम मेहंदी कोन की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारे ब्लैक कोन जो आपको दिख रहे हैं। कोन का नेम है कोयल हीना कोन मेहंदी। इसमें नंबर भी मेंशन है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान कराची में रहते हैं, मीना बाज़ार को तो जानते हैं, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है 30 रुपीज़ ईच। तो आप भी कर सकते हैं परचेज़, बट आई डोंट नो ये ऑनलाइन डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं। और रेड कोन के प्राइस मुझे याद नहीं है। ये जो कोन है ये रेड कोन है, नॉर्मल कोन नहीं है, बिल्कुल ब्लड जैसे रेड है। तो ये कोन आपको सितारा ब्राइडल डार्क मेहंदी के नाम से है, और इसमें भी डिटेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मेहंदी ब्लैक मेहंदी स्टार्टिंग में मैंने वेस्ट किया था, लेकिन वेस्ट करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा थिक निकल रही थी, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी। लेकिन जब मैंने दूसरे हैंड पे लगाया तो उस वक्त मेहंदी बहुत अच्छी निकल रही थी। इनफैक्ट कि इतनी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन हो गई थी कि थोड़ी सी स्प्रेड भी हो रही थी, फैल रही थी। तो मुझे यहाँ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग सी नहीं लगी, लेकिन ओवर लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा थिक की वजह से मेहंदी में जो फिनिशिंग आती है वो इस तरह नहीं आई, लेकिन रेड होने के बाद और वॉश करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। और ये मेहंदी जैसे कि आप कोई इक्वेजन में जा रहे हैं तो आप मायो के फंक्शन में भी लगा सकते हैं। और कुछ ब्राइड ऐसी होती है बहुत ज़्यादा लाइट मेहंदी यूज़ करती हैं, जैसे कि लाइट डिज़ाइन से लगवाना पसंद करती हैं, तो वो बंचेस टाइप में और फिंगर्स को थोड़ी सी फिंगर स्टिप्स को फिल कर लें तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और सम गर्ल्स जिन्हें भरी हुई मेहंदी पसंद है, जस्ट लाइक हम उन्हें ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन कहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस के नेम से एक लिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरी वीडियो को वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं और न्यू आइडिया ले सकते हैं, अगर आप लगाना जानते हैं मेहंदी और सीखना चाहते हैं तो। अगर आप बिल्कुल भी बिगनर हैं तो मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, क्लासेस 1-2 करके 13 क्लासेस अब तक वहाँ पे दी गई हैं, तो आप वो भी वॉच करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ओके गाइस, रेड कोन और नॉर्मल कोन में जो डिफरेंट होती है मेहंदी लगाने की, वो मेथड ये है कि आप नॉर्मल कोन से जो मेहंदी लगाते हैं साथ साथ फिलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ब्लैक कोन से आउटलाइन करूँगी और जहाँ मुझे नीड है वो डिज़ाइन बनाऊँगी। ये नहीं है बिल्कुल भर दूंगी ब्लैक से, वरना मेरी हैंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी। ठीक है, चाहे आप अपने हैंड पे लगाएं या किसी और के हैंड पे लगाएं, अपने सिस्टर कज़न्स वगैरह के। आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखें ब्लैक कोन की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई अप्लाई करनी पड़ रही थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इतना थोड़ा सा देखें, आइडिया ले लें, अगर आपको इससे अच्छी कोन मिल सकती है तो वेल एंड गुड, आप वो कोन यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं साथ साथ फिलिंग नहीं करूँगी, पहले मैं ब्लैक कोन से ड्रॉ कर लूँगी, जब ये ड्राई हो जाएगी फिर हम रेड कोन से इन साइड पर फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइंस फिंगर स्टिप पे आप कोई से भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, लेकिन ऐसी डिज़ाइंस बनानी है जैसे कि आपको रेड कोन की भी इस्तेमाल करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं इस तरह डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि मेरी रेड कोन भी यूज़ हो जाए। पूरी ब्लैक कोन से हम पूरा कंप्लीट नहीं लगाएंगे, वरना आपकी हाथ जो हैंड है बहुत ज़्यादा बैड लगने लगेगा और फिर आप कहेंगे कि मैंने क्या बता दिया। तो कोशिश करें कि जो डिज़ाइंस हैं आप पहले नेट से और निकाल लें, रेड और ब्लैक कोन की थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, उस तरह लगाएं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ब्लैक कोन ले रहे हैं और डिज़ाइंस ऐसी बना रहे हैं कि रेड कोन की फिलिंग्स बहुत ज़्यादा कम है और फिर बहुत बुरी लगने लगेगी। तो इस तरह नहीं करना है, पहले आप नेट से निकाल लें, निकालने के बाद आप थोड़ा सा आइडिया ले लें, फिर आप उस तरह से इसको देख के लगाएं, या जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ आप इस तरह लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरे हैंड पे बना रही हूँ, जब तक वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद रेड कोन से फिलिंग करूँगी मैं यहाँ पर, फिर ओवरऑल ड्राई होने दूँगी, ड्राई होने के बाद उसे पील ऑफ कर लूँगी। पील ऑफ ये कोन है, या आप वॉश भी कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर वॉश करवा लिया था। यहाँ पे आप देखें इसकी फ़्लो अच्छी निकल रही है, इनफैक्ट के आप थोड़ा सा आगे भी देखेंगे ये थोड़ी सी फैल गई होगी। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो करें।
और जितने भी क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट रिप्लाई दूँ तो परेशान नहीं होने, मे बी लेट रिप्लाई आए, लेकिन क्वेश्चंस वैलिड होना चाहिए। और माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट मुझे ड्रॉ करके, मेरी क्लासेस को ले के वो ड्रॉ करके मुझे दिखाते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं कि आप ये सही है, मैंने अच्छा बनाया नहीं बनाया, आप मुझे मिस्टेक बताएं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ और वाकई आप लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा गाइस, एक और बात, जो लड़के मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने निडल और ड्रॉप वाली मेहंदी आपको बताई नहीं है कि किस तरीके से परचेज़ करना है क्या, तो सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है, बहुत ज़्यादा मैं आपको वेट करवा रही हूँ, आई नो, उसके लिए बिग ऑफ सॉरी, क्लियर। तो चलें, मुझसे नाराज़ नहीं होइएगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते, पसंद करते हैं, और मैं जो कहती हूँ आगे आप मेरी वीडियो का वेट भी करते हैं, उन सबको थैंक्स जो मेरी वीडियो को हमेशा वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। अब चलें, मुझे इजाज़त दें, इस वीडियो को यहाँ इंजॉय करें, इंजॉय करने के साथ साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखें, और जिसका जो वर्क है, जो बिजनेस है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।